अस्सलाम वालेकुम, मैं शकीला यूसुफ नई वीडियो के साथ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत तारीखी और कीमती हैं। ये मेरे नाना जी रॉयल ब्रिटिश आर्मी में थे, तो 1935 में सिंगापुर से लाए थे, जो मेरी मामानी जी ने मुझे गिफ्ट किए और मैंने इन्हें संभाल कर रखा और कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ खुश्क दूध का पराठा। वीकेंड पर दिल चाहता है कि कुछ रूटीन से हट कर खाया जाए। ये पराठा बनाने में बहुत आसान और खाने में मज़ेदार है। इसके सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट्स हैं, खुश्क दूध, घी और घर में आम रोटी के लिए गूंदा जाने वाला आटा। आप उसी आटे में से जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं, एक पेड़ा हमने बनाया हुआ था, अब उसकी रोटी हम बेल लेते हैं। ये थोड़ा सा आटा नीचे डाल लेंगे ताकि ये इसके साथ लगे नहीं। अब हम इसके ऊपर एक लेयर घी की लगाएंगे। अब ऊपर एक लेयर हम इस खुश्क दूध की लगाएंगे। अब हम इसको यूं रोल कर लेंगे। अब हम इसको हल्के हाथ के साथ थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे। फिर बेलन के साथ आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना, फिर ताकि जब वो आटा फट जाए तो दूध बाहर निकलता है। अब जो तवा मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था उसमें हम डाल लेंगे। और इसको ज़रा मीडियम आंच पे पकाने, क्योंकि फिर वो इसके अंदर वो दूध होता है तो एकदम से वो मीठे की वजह से ना पराठा जल जाता है अगर आंच ज़्यादा हो तो। ये थोड़ा घी इस पे इस तरह आप लगा रही हूँ। ये देखिए, अब हमने साइड पलट ली है, अब इस साइड पे भी थोड़ा घी लगाएंगे। फिर इस तरह हम चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर से दबाएंगे ताकि अच्छी तरह सारा पराठा अंदर से भी पक जाए। और सारा ये साथ दूसरे चूल्हे पे हम पैन में चाय रख लेते हैं। जितनी देर में हमारा पराठा तैयार होगा साथ साथ चाय भी बन जाएगी। साइड
कलर से अब हमारा पराठा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। ये पराठा आप चाय, आम के अचार और मायोनीज के साथ खाएं। ये आप बनाएं, ज़रूर टेस्ट कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको कैसा लगा है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।